जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं आपका अपना भाई सूर्या आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इन एडवेंचर और सूर्य 2.0 पे आप सभी का स्वागत करता हूँ तहे दिल से। और बहुत सारे रिस्पेक्ट सभी को जो भी वीडियो वॉच करने के लिए या क्लिक कर दिया है, उन सभी को दिल से बहुत सारे रिस्पेक्ट। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार, और जो मेरे हम उम्र साथी हैं उनको दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं अपने फ्यूचर के लिए। और जो आपका साथ है उसे आप ऐसे ही बनाए रखिए एज इट इज। हम जो है हमारी मेहनत में कहीं भी कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारी गलतियां होती है तो आप जरूर से वो मेंशन कीजिएगा कमेंट में, ताकि हम उनको सुधारने की कोशिश करें। भाई आज हम उस लोकेशन पे वापस आ चुके हैं जिस लोकेशन पे लास्ट टाइम वो बच्चा रिकॉर्ड भी हुआ था और उस बच्चे की आवाजें भी आई थी, और आखिर में हम यहाँ से भाग निकले थे। भाई आज कोशिश हम ये करेंगे कि इस लोकेशन को प्रॉपर तरीके से विजिट कर पाए, जो भी यहाँ का मसला है वो समझ पाए, क्योंकि बिना मसले को समझे हम इस लोकेशन का निवारण नहीं कर सकते। और हम चाहते हैं कि इस मामले का या इस इंसिडेंट के जड़ तक हम पहुंचे और इसको पूरी तरह से सॉर्ट आउट करने के बाद ही हम किसी और लोकेशन की तरफ मूव करें। तो यहाँ का जो इंसिडेंट है वो आप सभी को पता होगा। उसके अलावा थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ भाई कि जो घर की आनाकानी होती है, घर की जो मचमच होती है, उससे परेशान होकर के एक बहू ने अपने बेटे सहित इस कुएं में छलांग लगा दी थी जहाँ हम आज विजिट करने वाले हैं। 3 साल का बच्चा था मासूम, जो बहुत अच्छे से बोलना भी नहीं सीखा होगा और बहुत अच्छे से उसके कर्म तो स्टार्ट भी नहीं हुए होंगे भाई। ना उसने दुनिया भी नहीं देखी भी यार, मतलब कुछ भी नहीं देखा होगा, मतलब पानी को पापा बोलता होगा वो, ये उम्र रही होगी उसकी। और उस औरत की क्या कंडीशन रही होगी जब उसके ससुराल पक्ष ने उसे इतना बुरी तरह से टॉर्चर कर दिया। एक उम्मीद होती है एक लड़की की कि उसका पति उसका साथ देगा, लेकिन वो पति भी जो है उसके खिलाफ ही था, मतलब खिलाफ बोल के अपने माता पिता की साइड में, क्योंकि अगर वो इंसान वाइफ की साइड लेता है तो बोलते गुलाम हो गया, और अगर घर वालों की साइड बोल लेता है तो बोलते कि घर वालों का वो है हो गया, क्या बोलते हैं, माँ का, जो भी बोल सकते हैं। क्लियर वर्ड्स में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये पारिवारिक समस्याएं हैं, ये हर इंसान की लाइफ में आती रहती है। हम सिर्फ और सिर्फ ये जो लोकेशन विजिट कर रहे हैं इसका मकसद इतना सा है कि किसी और बहन बेटी के साथ में ऐसा इंसिडेंट या ऐसी घटना ना हो, ना ही वो इस दौर से गुजरे। ऐसे सही कहते हैं कि सास माँ नहीं बन सकती और बहू बेटी नहीं बन सकती, दोनों में से एक कोशिश करेगा ना कहीं पे भी तो कहीं ना कहीं एक तरफ से वापस छेड़खानी सी होने लग जाएगी। भाई मैं माफी चाहता हूँ कि मैं इतना ज्यादा बोल जाता हूँ, लेकिन जहां भावनाएं जुड़ती है वहां इंसान बोले जाता है, बोले जाता है, बोले जाता है। आज हम दोबारा से इस लोकेशन को विजिट करेंगे और जब तक इस लोकेशन का सार नहीं निकल जाता, निष्कर्ष नहीं निकल जाता, तब तक इस लोकेशन से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे डर कितना भी हो, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम चला जाए, हमारे लाइफ को कितना भी रिस्क हो जाए, हम इस लोकेशन को बहुत अच्छे से विजिट करेंगे। तो डर रहा है भाई, अगर ये हमारे पास आता है तो हम समझ जाएंगे कि हमें कोई रिस्क नहीं होगा, और अगर ये हमसे दूर चला जाता है हम ये समझेंगे कि रिस्क पूरा भरा पड़ा है। आज जो कुछ भी आपने देखा है भाई, मैंने ना इसको समझाया ना मैं इसको समझा सकता हूँ, क्योंकि ना ये मेरा पालतू है। बस ये इतना सा समझता है कि जहाँ दिक्कतें होती है वहां इनको ज्यादा पता चलता है, और जो नेगेटिव एनर्जीज या वाइब्स होती है वो अट्रैक्ट करती है इनको अपनी तरफ, तो इनको पहले पता चल जाता है उन सारी चीजों के बारे में। कैमरे पे मेरे भाई आनंद है जो मेरी पॉजिटिव पावर बन के रहते हैं हमेशा मेरे साथ में, और बखूबी मेरा साथ देते हैं चाहे कंडीशन कैसी भी जाए। अब ज्यादा बात नहीं करते हुए हम अंदर की तरफ चलते हैं और कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा उतना कवर करने की और जितना हो सकेगा अपने आप को संभालने की। इसको जो है वापस आने के बाद बंद कर देना आनंद। हाँ भैया।
और अभी राजस्थान में भाई ठंड का लेवल आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा भाई, वो जा रहा कुत्ता सूर्य भाई आ रही। अंदर आ गए। नहीं नहीं देखना, वो रुक के फिर देखेगा, देखना भी रुक गया वो। हाँ यार रुक गया वो भाई। मतलब क्लियर, हमें इस लोकेशन पे एंटर होने से पहले ही, मतलब उस गेट से अंदर एंटर होने से पहले ही हमें ये अंदाजा लग गया था कि आज रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मैंने एक वर्ड बोला था कि अगर रिस्क नहीं होगा तो ये हमारे पास रुकेगा, अदरवाइज ये यहाँ से चला जाएगा, और वही हुआ जिसका डर था। प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए वॉच करना ताकि समझ में आ सके कि हम कितनी बड़ी रिस्क को या कितने बड़े जोखिम के अंदर हम खुद अंदर एंटर हो जाते हैं। भाई एक बात होती है कि भाई अपने लिए करते हो, बिल्कुल भाई हम अपने लिए करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि किसी और बहन बेटी के साथ में या किसी और घर में ये सब कुछ ना घटे। भाई पैसा, मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, पैसा जिंदगी नहीं है, जीने के लिए जरूरत है लेकिन जिंदगी नहीं है वो। क्या पैसा हमारी जान से बढ़कर है? क्या पैसे से मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है? ये कुछ सवाल है, वो उनका जवाब आप दीजिएगा। हम बस जोखिम जो है वो उठाने के लिए तैयार रहते हैं, हमारी मेहनत और हमारा काम जो है जिसकी वजह से हमें जाना जाता है, हम चाहते हैं उसकी वजह से हमें जाना जाए आखिर तक। अच्छा यहाँ पे जो है उस इंसिडेंट के बाद में इस खेत में, मतलब इस कुएं से कोई जुताई नहीं हुई, मीन से पानी बोलते हैं ना भाई, पानी का सप्लाई होता है वो ना, मोटर चल पाती थी, मोटर चलते चलते अंदर गिर जाती थी पानी में, या फिर जो उसका पाइप होता है वो पूरा पूरा खोल करके अंदर चला जाता था। ऐसी दिक्कतें यहाँ पैदा होने लगी, इस वजह से जो है लोगों ने इस कुएं को सींचना बंद कर दिया और उसके बाद सूख सा गया, ये इसमें पानी नहीं है यार। सूर्य भाई, हाँ भाई, मेरे को भी लग रहा है यार, वो देख कुछ नजर आ रहा है यार। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि लाइट का फोकस रहता ना आंखों पे, तो एकदम से नजर नहीं आता है। आप थोड़ा आगे हो ना अंदर, कोशिश करता हूँ लाइट का। वो लग रहा है यार, वो देख है यार, वो देख देख यार, सूर्य भाई देख, रुक जा, वो देख, जूम करता हूँ मेरे को, पहले रिकॉर्ड करो ठीक है, क्योंकि वो मासूम है, उससे हम बात नहीं कर सकते। और बोलते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन यहाँ जिसकी बेरहम या बेदर्द मौत हुई है वो रूहे तो भटकती है। ये मैं ही नहीं कहता, आप किसी भी किताब का या किसी ग्रंथ का पन्ना उठा करके देख लीजिएगा, वहां पे कहते हैं कि जिसकी मौत दर्दनाक हुई है या बेदर्द तरीके से या अधूरी मौत जिसको बोलते हैं वो हुई है, तो उनकी रूह जो है वो भटकती है, वो इस मतलब ये जो अपना संसार है इसमें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। ये मेरा ही कहना नहीं है, ये आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा लिखा हुआ भी। तो सामने जो है एक मासूम सा बच्चा नजर आ रहा है, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है ना आनंद? बिल्कुल हो रहा है सूर्य भाई, आपने जूम कर लिया? हम्म, ठीक, प्रॉपर फोकस रखना, हम चलते हैं पास ठीक है, क्योंकि हम बस सिर्फ और सिर्फ उसको रिकॉर्ड करने से लेके बाकी सारी बातों का भी ध्यान रखना हमें जरूरी है। अब नहीं होता ना तो जूम करके चेक कर लो आनंद एक बार और। नहीं, नहीं सूर्य भाई यार, दो बार जूम कर लिया है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आनंद कुछ चमक रहा है, या तो उसकी आंखें है या कुछ और है? ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है क्या? रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल सूर्य भाई, जो चमक रहा है छोटा सा मुंह, उसकी आंखें है या कुछ और है? छोटा सा मुंह नजर आ रहा है बिल्कुल, मुझे उसकी ना मतलब आंखें जैसे चमकती है ना वैसा सा नजर आ रहा है। क्या आपको आंखों से नजर आ रहा है आनंद? वो बिल्कुल आ रहा है सूर्य भाई यार। भाई एक मासूम जिसकी मौत बेदर्द तरीके से हुई है, या बोल सकते हैं कि एक हादसे के चलते, या फिर बोल सकते हैं घर की परेशानियों की वजह से वो शिकार हुआ अपनी मौत का, उसकी आंखें चमक रही है। हाँ सूर्य भाई, छोटी सी जो होते है ना, क्या बोलते, सिर, वो नजर आ रहा है यार। सूर्य भाई, भाई कुएं में गया तेरी कसम, कुएं में गया भाई। ये क्या हुआ
भाई नेक्स्ट टाइम भी यही हुआ था यार, भाई कुएं में गया वो, कुएं में गिरा है वो, कुएं में गिरने से मौत हुई थी उसकी और वापस कुएं में गया भाई। सूर्य भाई यार, अरे यार भाई बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, अब ना इसको देखने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है, पूरी बॉडी वाइब्रेट सी करने लगी है भाई। एक और चीज छोटी सी जो है वो बता देना चाहता हूँ कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैंने यही पैंट पहन रखी थी और इसका सबूत ये है और इसके अंदर का घाव भी शायद नजर आ रहा होगा भाई। मैं अपना घाव दिखा करके कोई सिंपैथी नहीं लेना चाहता, लेकिन अंदर लगी हुई है और ये पैंट फटी हुई है। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस पैंट के अंदर मैंने लोवर तक पहन रखा था, वो लोवर भी फट गया अंदर से, उसके बाद ये चोट लगी है इतनी। बच गए उस मेरे मालिक का, मेरे महाकाल का शुक्रिया है और आप लोगों के प्यार हो सकता है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से उसने मुझे बचाया। सूर्य भाई भाई ये तो अपना जैसा ही है यार, वो वाला कुत्ता जैसे सेम है भाई, सेम है बिल्कुल। तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं सूर्य भाई यार सेम है बिल्कुल, वो का वो ही है बिल्कुल, कॉफी मान ले यार, सेम कॉफी वही कुत्ता सूर्य भाई, अपने वाला लग रहा है जैसे ही है भाई। क्या आप हमें जानते हो? अगर जानते हो तो पास आओ हमारे। बेटा तुम्ही बेटा नहीं सूर्य भाई वो दूसरा कुत्ता है यार, वो नहीं है अपना वाला होता ना पास में घर छोड़ के आए थे हम। हाँ और उसको मैं अगर बेटा बोलता हूँ तो वो पास आ जाता है मेरे भाई। हम जिस बात कर रहे थे वो एकदम से अंदर गिरने वाली वाइब्रेशन सी हो रही है भयंकर, लेकिन फिर सूर्य हो यार पास में चलना पड़ेगा भाई। दो बार संकेत मिल चुके हैं आनंद, यहाँ पे रिस्क कितना ज्यादा है उसका भाई यार, क्योंकि एक नहीं दो दो डॉग्स जो है वो यहाँ तक आए और उसके बाद एक वहां से साइड हो गया और एक यहां तक आया, देन उसके बाद यहां से आगे नहीं बढ़ा और वापस चला गया। डर एक्सट्रीम लग रहा भाई, कंट्रोल करना तो है। आनंद हर एक चीज को ध्यान रखना बहुत अच्छे से और बारीकी से रिकॉर्ड करने की कोशिश करना, अगर कुछ भी हल्का सा भी रिकॉर्ड होता है अगर तो आप फोकस रखना उस पर, है ना? बिल्कुल। पास अपना पास भाई, अगर अंदर गिरा है तो दिख क्यों नहीं रहा? हाँ यार सूर्य भाई गिरा कुएं में था भाई, यहाँ पे था शायद। हाँ यहीं पे था ना, यहीं से रिकॉर्ड हो रहा था। यही था यार सूर्य भाई, बारिश का टाइम भी है, हर एक कुएं के अंदर पानी है भाई। हाँ, लेकिन इसमें नहीं है। जो सालों साल बंद है ना उन कुएं में भी पानी है सूर्य भाई यार, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें नहीं है यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अब नहीं रुकना चाहिए यहाँ पे, अजीब सी वाइब आ रही है और हल्का फुल्का सा
और अजीब लग रहा है। कुएं में गिरा मगर सूर्य भाई कुएं में नजर नहीं आया यार। नहीं आया भाई नजर, गिरा था आप लोगों की आंखों के सामने था और हमारी आंखों के सामने था। 8% टाइम पे हमारी हालत क्या है आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे, लेकिन अब इससे ज्यादा रुक पाना ठीक नहीं है आनंद। शुरू में ये अब पता चल चुका है, अब नेक्स्ट टाइम कुछ ना कुछ जब आएंगे ना तब कुछ सोच के आएंगे। अच्छा मेरे को यार आवाज आई है सूर्य भाई, ऐसा कुछ लगा यार। मेरे को लगा यार कुछ आवाज आई जैसे लगा यार। वो देख बोला ना, मेरे को लगा यार कुछ। वो देख हाँ भाई हाँ, वो देख आदमी नजर आ रहा है, वो देख सिंगल भाई बिल्कुल नजर आ रहा है। एकदम ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है? वहाँ जगह नहीं है भाई खड़ा होने की यार, साफ देख के आया, मेरी आंखों से देखा मैंने, खड़ा होने की जगह ही नहीं सूर्य भाई। आनंद मैं कैमरे के आगे जाऊं या आपके साथ ही रहूं अब? अरे यार बच्चा है, बात भी नहीं कर सकते वैसे तो। यार समझ में नहीं आ रहा यार सूर्य भाई, एक चीज और समझ में आ रही है, अगर ये नजर आ रहा है तो इसकी माँ। हाँ यार सूर्य भाई क्यों नजर नहीं आ रही? वो देख खल खल का मूवमेंट हो रहा है उसमें आनंद। हाँ यार तो देख वहाँ हिल रहा है यार, हिल रहा है, सही बोला हूँ। साफ सूर्या भाई यार भाई वापस कुएं में गया सूर्या भाई। मगर यार सूर्य भाई मेरी बात सुन, कुएं में गया मगर कुएं में नहीं है वो, वापस चलेंगे ना, नहीं दिखेगा कुएं में, ये भी गारंटी है अपनी। चल जल्दी चल, रुकने का काम नहीं है। और सूर्य भाई यार कुएं में गिर रहा है मगर यार नजर नहीं आ रहा है। मेरी बात सुन, कुछ और चीज तो नहीं है कुछ यार संकेत, अपने को कुछ बताना चाहता हो यार? पता भी नहीं है बस, उन पहले अंदर फोकस कर यार। नहीं है सूर्य भाई यार, यहाँ था बिल्कुल वो देख, अब यहाँ खड़ा होने की जगह भी नहीं है सूर्य भाई यार। नहीं यार ये तो समझ में नहीं आ रहा यार भाई, कुछ तो गड़बड़ है मतलब इसमें। कुएं में भी नहीं है सूर्य भाई, वो देख नहीं है कुएं में, कोई भी नहीं है। और पिछली बार तो सांप नजर आ रहा था, वो नहीं है आज, वो भी नजर नहीं आ रहा यार आज। कुछ पीछे नीचे उतर, इस कोर से नीचे उतर, कोर से नीचे उतर, कोर से नीचे उतर। अंदर कोई है? हाँ अंदर कोई है। नहीं यार देख देख, मेरे को नजर नहीं आया। वो देख कट्टे के पास देख, अब आया नजर। हाँ भाई है यार, है यार, है यार सूर्य भाई, वो देख ऊपर आएगा भाई, ऊपर आ रहा है सूर्य भाई, ऊपर आ रहा है, वो देख ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, सूर्य वो भाई खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया, वो तो भाई भाई खड़ा हो गया सूर्य भाई, भाई अंदर ही है, अंदर ही है, वो देख वो देख भाई, कबूतर जब भी फड़फड़ाने लग गए यार, ध्यान रखना देख भाई। यार ये हो क्या रहा है? आनंद फिर से खड़ा हो रहा है, देख खड़ा हो गया सूर्य भाई, फिर से खड़ा हो रहा है भाई। ओ भाई साहब आनंद यार, हाँ यार
अभी वो अंदर वापस रुको एक बार, वो सूर्य भाई अरे साफ सुंदर ही है देखना अभी। ओए आनंद रुक रुक अब देख निया भाई सूर्य भाई अब ना इससे ज्यादा तो आनंद मेरे तो पैर कहाँ पर है भयंकर। देख अब देख शांति हो गई एक सेकंड में ही भाई पहले ना देख तितर पितर हो गए थे पूरे कबूतर भाई एक सेकंड में शांति हो जाती है क्या ये तो बोल रहा हूँ पूरे कबूतर तितर पितर हो गए थे पहले सुन अब ज्यादा देर रुकना मतलब खुद की मौत को खुद बुलावा देना है तो वो काम मत कर भाई आजा एक बार वो देख लेता हूँ ध्यान से देख अब उसकी कोर से नीचे उतर जा यार 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 समझ में नहीं आया यार कुछ भाई डर का लेवल तो मैं बता ही नहीं सकता आपको लेकिन जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है उससे रोंगटे ही नहीं आत्मा तक बाहर आने की उम्मीद ही भाई लेकिन खुद पे कंट्रोल खुद पे विश्वास और बस ऊपर वाले का आशीर्वाद और कुछ हमारी सेफ्टियां जो हमें बचा लेती है लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है वो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि रियल लाइफ में भाई आज तक किसी के साथ में नहीं हुआ होगा जो हम ये सारा एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना अभी वो आज तक मेरे मेरे अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ जितनी मेरी उम्र है जितना मेरा अनुभव है जितना भी है थोड़ा सा ये अगर उस अनुभव राउंड करके बड़ा आवाज आई यार मेरे में दम की फिर से आई ये तो बोल रहा हूँ आनंद रोने की आवाज वो देख यार सूर्या भाई वो देख आनंद सूर्या भाई वो देख पीछे देख भाई यार वो देख पीछे आ जा वो पे है भाई अब ना ऐसा लग रहा है कि अगर हमें इस लोकेशन को पूरी तरह से सॉर्ट करना है तो हमें कुएं में उतरना पड़ेगा भाई इस कुएं में उतरना पड़ेगा अब क्योंकि ये पल में अंदर और पल में बाहर हो रहा है भाई अपना जो ना खड़े हो रहा भयंकर तरीके से सूर्या भाई जो जो अपना YouTube परिवार है ना ये बोलेगा ना भाई तो अपन कुएं में भी उतरेंगे भाई सूर्या भाई जान का जोखिम ले लेंगे हम बिल्कुल लेकिन उससे पहले जो मैं चाहता हूँ मेरी एक दिली ख्वाहिश है वो आखिरी ख्वाहिश भी हो सकती है अगर वो कंप्लीट हो गई तो इस कुएं में उतरेंगे भाई फर्स्ट टाइम किसी कुएं में उतरने की बात कर रहा हूँ उतरना तो दूर की बात है सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ उतरने की तुम बाहर रह जाना सूर्या भाई मैं चला जाऊंगा अंदर को टेंशन नहीं ना मैं अकेला जाऊंगा ना आप अकेले जाओगे कॉम्प्रोमाइज दोनों के साथ नहीं करना है चलेंगे तो दोनों अंदर नहीं चलेंगे तो दोनों बाहर वो क्लियर रिकॉर्ड हो रहा है अभी तक रिकॉर्ड हो रहा है भाई मेरी एक दिली ख्वाहिश है अगर इस वीडियो पे 4,500 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो हम दोनों भाई इस कुएं में जा करके अपनी मौत को गले लगा करके जो भी सच निकलेगा जो निष्कर्ष निकलेगा उसको सामने लाएंगे अगर रहे तो ऐसे भरोसा है मेरे मालिक पे जो चंद्रमा है वो आधा आसमान छू चुका है बिल्कुल सही और उस पर भरोसा है तो हम इसे भी पूरी तरह से कर पाएंगे निभा पाएंगे लेकिन जिम्मेदारियां और कुछ आशीर्वाद आप लोगों का चाहिए वो आप पूरा कर देना हम दोनों उतरेंगे इसमें पूरा रिस्क लेंगे भाई वो देख वो गिर गया भाई सूर्य भाई वापस वो हलचल है भाई अब जाकर के चेक कर भी लेंगे ना भाई
जो पिछली बार हुआ था सेम वही कुछ होने वाला है। हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरी दिली ख्वाहिश है इस लोकेशन को पूरी तरह से क्लियर करने की। आप लोग साथ देना, अपना आशीर्वाद देना, और जो मैंने बोला है प्लीज वो कर देना। ये आखिरी बार बोल रहा हूं कि ये वाला जो बोला है वो कर देना, हम इसके अंदर जाएंगे। बिल्कुल तैयारी, सूर्य बजाय कुछ भी हो, चाहे वो रात आखिरी हो या वो दिन आखिरी हो, चाहे लोकेशन आखिरी हो, कुछ भी जाएंगे, हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सूर्य। ये हमारा वादा है हमारे महाकाल जी से, हमारा ये वादा है कि हम इसके अंदर तक जाएंगे, और उन पे विश्वास है तो वो वापस भी लाएंगे हमें, सब कुछ उन पे छोड़ के उसके बाद ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो भी सेफ्टी या जो कुछ भी हमें करना होगा वो सब कुछ करने के बाद ही ये कदम उठाएंगे हम, क्योंकि बोलते वैसे रूह कांप रही है हमारी, तो अंदर जाने के बाद तो कुछ नहीं कह सकता, सारी व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले बाहर चलना जरूरी है। आनंद यहाँ चलते हैं सूर्य, इस दायरे में रहे तो वापस से होके बहुत ही आनंद है। और जो बाहर तो अभी के लिए चलते सूर्य की कम कर देते भाई, मैं जो बोलना चाह रहा था वो सब कुछ बोल चुका हूँ। आनंद भाई आप भी अपनी बातें रख सकते हो पूरी तरह से, वो जो बोल दिया आपने, और क्या भाई, उतरेंगे दोनों उतरेंगे, बिल्कुल प्रॉमिस है, तो जो जबान कर ली उससे तो मुकरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए नहीं मुकरेंगे भाई। तो साथ आपको देना है यहाँ पे आज, बिना आपके साथ के कुछ भी मुमकिन नहीं है। चलते हैं, वेट करते हैं फिर, और क्या। क्या सोच रहा फिर? ये सोच रहा हूं कि एक विश्वास है कर लेंगे, कर लेंगे, एक विश्वास है अंदर तो। आवाज आ रही, जय श्री महाकाल। हम अभी के लिए इजाजत चाहते हैं आप सभी से, और हम प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोग कुशल मंगल और खैरियत से रहे, और हर एक कदम पे आप हमारा साथ दे, ये उम्मीद रखेंगे हम आपसे। जय श्री महाकाल, खुश रहिए और खुशियां फैलाइए, जिंदगी में बस यही चाहिए आप लोगों का साथ और सपोर्ट। श्री महाकाल आ जाओ ना, गाड़ी दे दी।